नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। साध्वी मंदाकिनी पुरी को आज पुलिस ने अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ लाखों रुपए के धोखाधड़ी करने के दो मामले दर्ज हैं, जिनके बारे में पुलिस साध्वी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि साध्वी मंदाकिनी पुरी ने उज्जैन के एक संत से निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनवाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए ले लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने चिमनगंज मंडी थाने में की थी। पुलिस ने जांच के बाद साध्वी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके अगले दिन साध्वी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था, तभी से वह जिला अस्पताल में भर्ती थी। मामला उजागर होने के पश्चात अखाड़ा परिषद ने साध्वी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। बता दें कि जयपुर के एक अन्य संत ने भी साध्वी मंदाकिनी पुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला महाकाल थाने में दर्ज कराया। इधर आज सुबह चिमनगंज मंडी पुलिस ने साध्वी को जिला अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि साध्वी मंदाकिनी पुरी से थाने में पूछताछ की जा रही है। महामंडलेश्वर हैं, उनके खिलाफ चिमनगंज थाने में प्रकरण पंजीबद्ध था। आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है, तो उनसे महिला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर कितने अपराध? अभी दो अपराध पंजीबद्ध थे, एक थाना महाकाल में और एक थाना चिमनगंज में। तो दोनों ही अपराधों के संबंध में स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। सर कुछ आवेदन और भी इनके खिलाफ? अभी कोई आवेदन ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई आवेदन आया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।